हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीलिंग फैन के बैरिंग कैसे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग फैन की जो शाफ्ट है उसमें पंच मार रहे हैं, क्योंकि ये बैरिंग का साथ अच्छा से पकड़ नहीं बैठा पा रहा है। तो जब आप फैन के रनिंग करते हैं तो ये जो फैन की हाउसिंग के साथ टच होता है, इसलिए हम फिर से फैन को ओपन किए और उसमें देखे जो प्रॉब्लम था वो बैरिंग और शाफ्ट अच्छे से कंटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा पंच मार रहे हैं। और ध्यान रखिए, पंच मारते समय आप लोग माइंडिंग में जैसे हमर नहीं चलना चाहिए, बजना चाहिए। अगर बज गया तो आपकी वाइंडिंग डैमेज हो सकता है। अभी हम लोग जो फैन की जो हाउसिंग है उसको फिर से रीअसेंबल कर रहे हैं। अभी हम जो स्क्रू जो तीन टो स्क्रू की पोजीशन को मैच करके फैन की कवर को फिटिंग कर रहे हैं। अभी तीनों होल मैच हो जाने के बाद जो स्क्रू है फैन में अभी हम लोग फिटिंग कर रहे हैं। अभी फिटिंग होने के बाद हैमर से थोड़ा हैमरिंग करते हैं और देखते हैं फैन को हाथ से घुमा के वो फ्रीली मूव करता है या कहीं पर वो अभी हम स्क्रू को अच्छे तरह से टाइट करके देखिए और हाथ से घुमा के देखिए कहीं से वो टाइट हो रहा है या फिर वो बॉडी के साथ जो सीलिंग फैन की जो हाउसिंग है उसका साथ टच कुछ साउंड आ रहा है तो चेक कर लीजिएगा। अभी हमारा जो स्टार्टर और रोटर का सही से नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए नहीं जो हमारा रोटर और स्टार्टर की जो पार्ट है अच्छे से नहीं मूव कर पा रहा है और जाम हो रहा है, इसीलिए हम लोग हैमर से मार के उसको सही कर रहे हैं। आप इस चीज़ को जब भी टाइट करें उसका एडजस्टमेंट सही से करें, वरना एडजस्टमेंट सही नहीं होगा तो बेयरिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है और शाफ्ट भी और बेयरिंग के साथ घिस कर शाफ्ट भी कट सकता है। उसी वजह से फैन में साउंड नॉइज की प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हमारा जो सीलिंग फैन है अच्छे तरह से फ्रीली मूव कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरह से जो शाफ्ट है सीलिंग फैन की वो अच्छे तरह से घूम रही है। अभी इतना दूर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जो हो जाने के बाद जो कैपेसिटर का जो कनेक्टर है जहाँ पर हम लोग का फैन की जो तीनों नील निकला हुआ है और फेज और न्यूट्रल की कनेक्शन होता है, उस टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे।
अभी हम लोग फैन की जो थ्री जो लेड निकला हुआ है वो साफ की इस साइड से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हम लोग का कनेक्शन देने वाले हैं और फैन रन करेगा। ऊपर से हम लोग का जो फैन की जो ऊपर में जो रोड के साथ कनेक्ट होता है वो कनेक्ट करेगा। अभी हम जो कैपेसिटर कनेक्टर को फिर से लगा चुके, अभी हम तीन तीन को लीड को ये जो वायर की जैसा एक तो बैंड करके इसी टाइप निकाला जाता है, तीनों लीड को आराम से आहिस्ता आहिस्ता निकालना ज़रूरी है। अगर ये लीड कट जाएगा तो आपकी फैन में करंट भी लग सकता है, इसलिए सावधान सावधानी यूज करके जैसे लीड जो वायर का जो इंसुलेशन ना कटे उसी हिसाब से आप लोग इस तीनों वायर को ऐसे निकाल लीजिए। अभी तीनों लीड हमारा अच्छे तरह से होल से बाहर आ चुका है। अभी हम जो कनेक्टर जो है सीलिंग फैन में लगता है, कैपेसिटर को भी होल्ड करके रखता है और कनेक्शन में भी यूज किया जाता है, उसी को हम लोग शार्ट के साथ अच्छे तरह से टाइटनेस कर लेंगे। और अभी हम लोग कैपेसिटर भी कनेक्शन करेंगे। हम लोग जो फैन खोले तो हम लोग को पता है कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, उसीलिए हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन कर लिए। अगर आपको कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग है जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ये देख पा रहे होंगे कैपेसिटर जो 2.0 का है माइक्रोफैराडे का, ये सीलिंग फैन में यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर सीलिंग फैन में 2.5 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगता है, लेकिन इस सीलिंग फैन में 2.0 का मैन्युफैक्चर का से यूज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाए। इसी तरह फैन को फिटिंग किया जाता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।